Let's understand the agents who cause these mutations. Now, agents who cause these mutations are called as mutagens. Now, mutagens अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि फिजिकल म्यूटेजन्स एंड केमिकल म्यूटेजन्स. फिजिकल म्यूटेजन्स मतलब उसमें फिजिक्स इन्वॉल्व है और केमिकल में ऑब्वियसली केमिस्ट्री इन्वॉल्व है. तो फिजिक्स में आपको पता है कि रेडिएशंस होते हैं अलग अलग तरह के, जैसे कि कुछ रेडिएशंस आर आयोनाइजिंग रेडिएशंस एंड कुछ रेडिएशंस आर नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस. अब आयोनाइजिंग रेडिएशंस के बारे में आपको आपने पढ़ा है फिजिक्स में कि इनकी जो वेवलेंथ होती है वो बहुत कम होती है, लेकिन इनकी जो एनर्जी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है. ना बहुत कम वेवलेंथ और बहुत ज़्यादा एनर्जी, एंड इतनी ज़्यादा एनर्जी की वजह से दे कैन ब्रेक अवर क्रोमोसोम्स, दे कैन ब्रेक द बॉन्ड्स ऑफ अवर डीएनए. इसीलिए हम कहते हैं ना कि एक्सरे मशीन्स या सीटी स्कैन करने हम जब जाते हैं तो रिलेटिव्स को अंदर आने नहीं देते हैं. उसका रीजन्स है ताकि पेशेंट को जो साथ में दूसरे लोग आए हैं उनके डीएनए में कोई म्यूटेशन ना हो जाए, या वहाँ पर जो काम करने वाले लोग होते हैं वो भी उनको भी बहुत ही प्रिकॉशन लेनी पड़ती है, इस इन रेडिएशन से बचना होता है. सो दीज रेडिएशंस बेसिकली कैन आल्सो कॉज कैंसर. सो यू कैन सी इन द टाइप्स आई मेंशन देयर एक्स रेज, गैमा रेज, डेल्टा रेज, बीटा रेज, ऑल दीज कैन मेक अपॉन सो मेनी चेंजेस. नाउ नॉन आयोनाइजिंग मतलब इनकी वेवलेंथ ज़्यादा है और एनर्जी कम है. नो ये लोग भी म्यूटेशंस कर सकते हैं, जैसे कि बेसिकली यूवी रेडिएशन के एग्जांपल है, जैसे कि थाइमाइन डाइमर, मतलब एक दो थाइमाइन का स्ट्रक्चर ये लोग बीच में इंसर्ट हो सकते हैं इसके वजह से, दैट इज़ बेसिकली अगेन इट कैन कॉज अ बिग म्यूटेशन. मूव ऑन टू केमिकल म्यूटेशंस. केमिकल म्यूटेशंस में भी दो टाइप हैं, एक जो डीएनए पे एक्ट करते हैं रेप्लिकेशन हो या नॉन रेप्लिकेशन हो, और दूसरा जो सिर्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए पे एक्ट करते हैं. नो जो नॉन रेप्लिकेटिंग एंड रेप्लिकेटिंग दोनों पे एक्ट करते हैं उसमें एग्जांपल है नाइट्रस एसिड. नाइट्रस एसिड क्या कर सकता है, वो अपने डीएनए के जो अमीन डीएनए से बनने वाले जो उसके अंदर जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं उन नाइट्रोजन बेसिस का डी अमाइनेशन कर सकते हैं. ये लोग उनके नाइट्रोजन जो ग्रुप्स हैं वो उसको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, नाइट्रस एसिड, और इसीलिए दे आर म्यूटेजन्स. और जो रेप्लिकेटिंग डीएनए पे एक्ट करते हैं उसमें एग्जांपल्स हैं एक्रिडिन्स, जो डीएनए रेप्लिकेशन में असर करते हैं, कभी इंसर्शन या डिलीशन करवा सकते हैं. देन दूसरा एग्जाम्पल है बेस एनालॉग्स, कुछ ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स के डुप्लीकेट्स बनते हैं जो जाकर उन पर्टिकुलर एरियाज पे जाके अटैच हो जाते हैं. सो दैट इज बेसिकली द बेस एनालॉग्स, दैट इज यूज ऑफ सिमिलर मिसपेयर्ड बेसिस, और उसके से म्यूटेशन